एक टाइम था जब मैं सुबह देर तक सो के उठता था, करीब 10-11 बजे तक। जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, रात को देर से सोना, सुबह देर से जागना। लेकिन फिर मैंने न्यूज़पेपर में एक दिन ये न्यूज़ पढ़ी, सुबह देर से उठने पर पिता ने पुत्र को गोली मारी। और जिंदगी एकदम झंड हो चुकी है, मुझे अपने बाप से डर लगने लगा है। साला अपने घर में कुत्तों की तरह सोता हूँ मैं सुबह अपने पापा के जागने से पहले बिस्तर पे सो के उठ के बैठ जाता हूँ। वो इसलिए नहीं कि मुझे डर है मेरे पापा मुझे गोली मार देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, आखिरकार मैं उन्हीं की औलाद हूँ। लेकिन मैं जब भी सुबह देर तक सोता हूँ, मेरे सपने में मेरे पापा एक गन लेके आते हैं और आके मेरी छाती पर रख देते हैं, और इतने में मेरी आँख खुल जाती है। बस भाई अगर तुम भी सुबह देर तक सो के उठते हो ना, तो देख लो यार तुम अपना हिसाब, कुछ भी हो सकता है। मेरा बताने का हक था, मैंने बता दिया तुम्हें। Hey guys, it's me DhiruMonchik and welcome to the new episode of Dhiru ki BakBak. और ये देखो है, आज मैं इस झूले पे चढ़ के गाना गाऊंगा। जिंदगी सवार दू, एक नई बहार दू, अपनी खुद की गांड फाड़ लू झूले पे चढ़ के। पापा आपने मेरा झूला तोड़ दिया। उल्लू के पट्टे तेरे बाप की यहाँ गांड टूटी पड़ी और तुझे झूला टूटने का गम है। सॉरी पापा सॉरी। अरे यार अंकल, झूले पे बैठने से पहले झूले की और अपनी हालत तो देख लेते। अब तुम अगर साइकिल हाथी से चलवाओगे तो साइकिल तो टूटेगी, जैसे तुमने अभी अपनी रामकली तोड़ी। ओ भाई, ये लौंडा आज कुछ करके दिखाएगा, ये यूसेन बोल्ट को जरूर आने वाले टाइम में टक्कर देगा टक्कर देगा, आज नहीं कल देगा, सीख रहा अभी। चल भाई चल, आज तुझे गंदी गंदी पिक्चरें दिखाऊंगा 42 इंची के टीवी पे, एकदम बड़ी स्क्रीन पे। गंदी गंदी पिक्चरें, मजा आएगा। पासड़ी के यही ले लेते तुझे सीढ़ियों पे सारे के सारे मजे, फोड़ दिया मेरा नया टीवी। पैसे निकाल पेंच। भैया जी इज राइडिंग द स्केटबोर्ड ऑन द रोड। ओ भैया जी ने अपनी गांड ली तोड़। वैसे यार भाई, इस बंदे की कोई गलती नहीं थी, इसके स्केटबोर्ड ने धोखा दे दिया। और यार भाई, जिस हिसाब से इसके दो तरबूजों के बीच स्केटबोर्ड फंसा है ना, मेरी में दर्द होने लगा उसे देख के। और यार ये कैमरामैन कितना हरामी है, वो बंदा गिर गया तो उसको उठा नहीं रहा है, अपना वीडियो का शॉट पूरा ले रहा है पहले, ये नहीं कि उसको उठा के उसके दो अनमोल रतन पे झंडू बाम रगड़ दे। इस सीन को स्लो मोशन में देख के तो आज रात को हिलाऊंगा। भाई इसको कहते हैं बुरी किस्मत, और साला ये बंदा खुद तो गिरा, उस बेचारों को भी लेके गिर गया। अर्ज किया है, सब लोग अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं। वाह। सब लोग अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं, कुछ लक्ष्य से तो कुछ लाइफ बॉय से नहाते हैं। साले अन्नू मलिक बनेगा, अन्नू मलिक ऐसी उल्टी सीधी शायरी करेगा। अरे भैया जी माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा इतनी गंदी शायरी। अरे भैया जी माफ कर दो, भैया माफ कर दो। हीला हबीबी, हाथी को आज हम ऊंट पर बैठते पहली बार देखी, लेकिन हमको ये समझ नहीं आती कि ये हाथी इस ऊंट के साथ इतना बदसलूकी काहे करती। ओ हाथी इज फॉलिंग डाउन ऑन दी धरती। भाई बिल्कुल सही हुआ इस बंदे के साथ, और जिस हिसाब से कद्दू की तरह फूल रहा है ना, उस हिसाब से इस यूमंगा सुर को नगर पालिका की जेसीबी ना उठा पाए। ये ऊंट ऊंट के तो तुम बात ही छोड़ो। क्या गंदा गिरा बे, दारू पी है अभी अभी तुम लोगों ने? दारू पी है ना? हाँ पी है। कौन सी वाली पी है? एक बोतल देसी दारू की। हाँ तभी तो। कृपया मेरी आप सबसे विनती है, दारू पी के खुले में ना नाचे, ऐसा करना जानलेवा हो सकता है, और नाली के पास तो बिल्कुल भी ना नाचे, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी शक्ल के 12 बज सकते हैं। धरती सुनहरी अंबर नीला, लगता है इस बंदे का स्क्रू है थोड़ा ढीला, ये मरेगा, ये जरूर मरेगा आज, मैंने कह दी मरेगा। अरे गया
भाई कुछ लोग अपना अलग ही दिमाग चलाते हैं, नहीं मतलब ऐसे कैसे चढ़ जाता बिना आगे सीढ़ी के सपोर्ट के, और अगर चढ़ भी जाता तो आराम आराम से बैलेंस बना के, ऐसे भक्के नहीं एकदम से। साला चला है फिजिक्स को धोखा देने। ये वही बच्चे होते हैं जो बचपन में दो मैग्नेट के बीच रिपल्सन देख के ये सोचने लगते हैं कि अगर हम एक मैग्नेट कार के आगे लगा दे और एक मैग्नेट कार से थोड़ी दूर लगा दे तो हम बिना पेट्रोल डीजल के कार भगा सकते हैं। वैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत बार ट्राई करके देख रखा है। ऐसे कार नहीं चलती है, तुम भी इसके पीछे ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, कभी आइंस्टाइन के फुप्पा बनने बैठ जाओ यहीं। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। अरे भाई पहले अपने आप को तो बचा ले। ओहो यहाँ पर खिलाड़ी ने अपने हाथों का उम्दा प्रयोग करते हुए गाड़ी को और खुद को गिरने से बचाया। वाह बच गया भाई, अगर गाड़ी गिर जाती ना तो मेरा बाप मेरे चुतड़ लाल कर देता मार मार के। तो यार बस आज के लिए इतने। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर कर देना प्लीज। और मैंने अपनी पिछली वीडियो पे लाइक गेम किया था 42,002 लाइक्स का, जो कि तुमने पूरा कर दिया था, तो इस बार हम लाइक गेम नहीं रख रहे हैं। जैसे जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो जितने भी तुम्हें मन करे उतने करके चले जाना, ठीक है? बाय। रुआश नोटाश तेरी कर दिया मैनु, अस्वर सूटी ब्रश में फॉर्म लग दी मैनु, क्रॉसी लेग्स अपनी टैक्स बेबी लग दिया कलर, ओ या।